सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से तीन नए साइंस के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरेंगे और एक कैंडल लेंगे, ठीक है। मोमबत्ती लेने के बाद मोमबत्ती को उस प्लेट के बीच में हम लोग उसे सही से लगाएंगे और लगाने के बाद हम लोग मोमबत्ती में आग लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग मोमबत्ती को बर्न करेंगे, लाइट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग एक कांच का ग्लास मोमबत्ती के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद आप लोगों को एक मैजिक देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कैसा मैजिक आपको यहाँ देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मोमबत्ती को आग लगा दिए, थोड़ा सा कैमरे को पीछे ले लेता हूँ और देखिए वो कांच का जो ग्लास है मैं इस मोमबत्ती के ऊपर रखने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए जैसे ही मैं कांच का ग्लास मोमबत्ती के ऊपर रखूँगा तो क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग कांच का ग्लास मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेता हूँ, जितना भी ग्लास के बाहर का पानी था, मतलब कि जितना भी पानी था प्लेट में, सब ग्लास के अंदर आ चुका है। आप लोग देख सकते हो सारा पानी ग्लास के अंदर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस इस बार हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट और करने वाले। इस बार हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती हम लोगों ने आग लगा रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने मोमबत्ती को बुझाया और मैंने धुएं के ऊपर आग लगाया, जो मोमबत्ती से धुआं निकला, जो स्मोक निकला, उसके ऊपर जैसे ही मैंने आग लगाया मोमबत्ती अपने आप जल गई। अगर आपको नहीं दिखा तो एक और बार दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने मोमबत्ती के धुएं में आग लगाया अपने आप मोमबत्ती जल गई। ये भी एक काफी कमाल का साइंस एक्सपेरिमेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कैंडल को जला रखा है, मोमबत्ती को जला रखा है। अगर मैं बैलून को इसके ऊपर लाता हूँ तो ये बैलून नहीं फटता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस बैलून के अंदर थोड़ा सा पानी है। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी साइड से ट्राई करता हूँ तो दूसरी साइड से आप लोग देख सकते हो बैलून फट गया है।